Hello guys, this is Bhupendra Singh. Welcome to Unacademy Studio Prabhav. Unacademy Studio Prabhav में आप सभी का स्वागत है दोस्तों. और आज ये हमारा जो लेक्चर है वो आठवां लेक्चर है. इससे पहले हम सात लेक्चर बना चुके हैं और सात लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें हैं वो समझ चुके हैं, जो कि आपके इंटरव्यू में काम आएगी, जो कि आपके मेंस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में आपके आयाम डालने के लिए आएगी. इसके साथ साथ पेपर फोर्थ जो होता है वो तो स्कोरिंग वाला होता ही है, और इसके साथ साथ आप ऐसे में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो इस पेपर के माध्यम से. समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार नीति शास्त्र जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा जो ज्ञान है उसमें नैतिकता आती है. केवल शिक्षित होने से कुछ नहीं होता, साथ साथ में नैतिक होना बहुत जरूरी है. अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो नैतिकता बहुत जरूरी है. आपको नैतिकता को अपनाना ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि नैतिकता क्या होती है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि मैं सभी विद्यार्थियों के कमेंट देखता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि विद्यार्थी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं. और आपको साथ साथ में क्या है, अभी मैं आंसर राइटिंग नहीं करवा रहा हूँ, थोड़े से हमारे टॉपिक और हो जाएं फिर मैं आपको प्रश्न दिया करूंगा. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रश्न भी आप दिया करो तो मैं आपका टेस्ट भी लूंगा. समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में मोटिवेट रहना बहुत जरूरी हो जाता है. देखते हैं आज का कोट क्या है. सफर के थोड़ा मुश्किल होते ही रास्ता बदलने वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते. कहने का मतलब क्या है? सफर हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो गया. कहने का मतलब यह है कि आपके रास्ते में थोड़े से कांटे आ गए, तो कुछ लोग क्या है वो रास्ता है छोड़ देते हैं. लेकिन अक्सर सफलता का रास्ता है वो कठिनाइयों से और कांटे भरे रास्तों से ही होकर जाता है. इसीलिए इस कोट का मतलब यह है कि सफर के थोड़ा मुश्किल होते ही रास्ता बदलने वाले लोग कभी सफल नहीं होते. आपकी जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेंगी. आपकी जिंदगी में एक आलोचना के समान कांटे हैं, वो आपके पैरों में चुभते ही रहेंगे. लेकिन अगर आप सभी कांटों को सहन करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर, तो आप निश्चित रूप से ही सफल हो जाएंगे. आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए है जो सफर में थोड़ा सा, लक्ष्य में थोड़ी सी कठिनाई आई और उन्होंने रास्ता छोड़ दिया. इसमें बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ पर लेक्चर देखते हैं और लेक्चर देखने के बाद वो छोड़ देते हैं बीच रास्ते में ही. उन्हें समझ में नहीं आता है इसीलिए वो छोड़ देते हैं. समझने वाली कोई बात नहीं है. वो बीच लेक्चर में से आते हैं और पूरा लेक्चर देखते नहीं है. आपको शुरुआत से लेकर एंड तक लेक्चर देखना है, और आपको इस लेक्चर के माध्यम से क्या है, संपूर्ण जो विषय है उसके बारे में समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. हम धर्म और नैतिकता को जोड़ देंगे कि किस प्रकार धर्म में नैतिकता पाई जाती है और किस प्रकार नैतिकता है वो धर्म से संबंधित है. इस प्रकार हम नैतिकता और धर्म को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से धर्म और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे कर लेता हूं. एक सेकेंड वेट कर लेना. ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? नैतिकता और धर्म पढ़ने वाले हैं. नैतिकता और धर्म में हमारा जो सब्जेक्ट है, पेपर फोर है, वो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति है. इसके साथ साथ ही मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं कि मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है. यूपीएससी और एमपीपीएससी में भी मैं अपियर्ड हुआ हूं. इसके साथ साथ मैंने गेट क्वालिफाइड किया है. मैंने एमए किया है इकोनॉमिक्स से, और इसके साथ साथ मैं ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूं दिल्ली आईएएस ग्वालियर का. ठीक है, एक प्लस प्लेटफॉर्म पर एक ऑसम कोर्स है जिसमें आपको वीकली मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट से संबंधित होंगे. किससे? पेपर फर्स्ट से संबंधित होंगे. इसमें आपको 11 टेस्ट देखने को मिलेंगे. इसी के साथ साथ आपको वीकली मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे जिसमें 8 टेस्ट आपके होंगे. और इसी के साथ साथ 2020 में
आप पेपर देने वाले हो तो 2020 तक आपके पेपरों की संख्या 49 टेस्ट हो जाएगी। इतने सारे टेस्ट आप एक साल में दे दोगे, इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे, तो सिविल सेवा परीक्षा में कभी भी आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि मैं आपको कितनी भी ज्ञान दे दूं, जैसे ये नदी है, नदी के किनारे आप बैठे हुए हो और बैठकर एक किताब पढ़ रहे हो कि बताओ कि नदी में कैसे तैरा जाता है, तो आप सारी किताब भी पढ़ लोगे तो भी आप इस नदी में तैर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं हर लेक्चर में यही समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। बिना प्रैक्टिस के आप अपने ज्ञान को एग्जामिनर के सामने नहीं रख पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्लस कोर्स में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में प्लस कोर्स में आपको 18 कोर्स जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे, इसमें हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, मतलब जो भी आपको चाहिए वो सारे के सारे आपको ऑप्शनल कोर्सेज यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ हिस्ट्री के आपको 14 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी के आपको 13 कोर्स, इसी के साथ साथ ज्योग्राफी के आपको 12 कोर्स, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी के 8 कोर्स, इकोनॉमिक्स के 7, करंट अफेयर्स के कितने, ये हैं हमारे 6 कोर्स। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है। इसी के साथ साथ स्ट्रेटजी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपका मार्गदर्शन, आपको जाना, आपकी जो मंजिल है वो उत्तर दिशा में है, लेकिन आप जा रहे हो दक्षिण दिशा में, मंजिल कहां पर है? उत्तर दिशा में। आप जा रहे हो दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में आप कितनी भी मेहनत कर लो कभी सफल नहीं हो पाओगे, आपको उत्तर दिशा में ही प्रयास करना पड़ेगा, उत्तर दिशा में ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मैं बार बार हर लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी को आप ढंग से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मैं आता हूं इस पे कि यहां पर बच्चों के हिसाब से, यानी बच्चे जो चाहते हैं, उनको जो कोर्स ज्वाइन करना चाहता है उनके हिसाब से यहां पर कोर्स डिजाइन किए गए हैं। जैसे आपके पास 1 महीने का भी कोर्स है, आपके पास 3 महीने का भी कोर्स है, आपके पास 6 महीने का भी कोर्स है, आपके पास 12 महीने का भी कोर्स है, आपके पास 24 महीने का भी कोर्स है। 1 महीने की फीस आपकी होगी 7,000 रुपये, लेकिन 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यही 1 महीने की फीस आपकी 2,333 रुपये हो जाएगी। कितना? 2,333 रुपये। तो आप ना तो 1 महीने का कोर्स लो, ना आप 3 महीने का कोर्स लो, ना आप 6 महीने का कोर्स लो। क्यों? क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा 1 महीने, 6 महीने और 3 महीने वाला काम नहीं है, ये कम से कम 1 साल की तैयारी तो आपकी मांगती ही मांगती है। कितना? 1 साल तो आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको 2 साल भी आपको क्या है, कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। 1 साल तो ऐसे हैं जिनको क्या है, नेक्स्ट ईयर देना ही देना है, तो कम से कम 1 साल अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ढंग से आप मेहनत करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 2 साल में आपको क्या है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1 महीने का कोर्स ऐसे बच्चे ज्वाइन करें जो कि कुछ सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, 3 महीने का कोर्स ऐसे बच्चे ज्वाइन करें जो कि अपना रिवीजन करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट का, इसके साथ साथ 6 महीने का कोर्स है वो ऐसे बच्चे ज्वाइन करें जो कि क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव और फास्ट से फास्ट क्या है, अपना सिलेबस करना चाहते हैं, उनको बेसिक नॉलेज है उस चीज के बारे में। इसके बाद मैं इसकी फीस की बात कर लेता हूं कि प्लस कोर्स की फीस है वो कितनी है हमारी, प्लस कोर्स की फीस हमारी कितनी है, तो इसकी फीस है 35,000 रुपये इसकी फीस है, लेकिन इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, 35,000 पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल की फीस है 35,000 रुपये, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा कोड है BS Live, इस कोड को आप यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? 10% का। इसके बाद आपकी जो फीस होगी 31,500 आपकी फीस होगी। कितना? 31,500 आपकी फीस होगी। इसके साथ साथ ही ये 2 साल का कोर्स है जिसमें आपको 56,000 रुपये देने हैं, और इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट फिर से चाहिए तो वही BS Live कोड का यूज कीजिए, और BS Live कोड का आप यूज करोगे, जैसे ही आप इसको डाल दोगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि 50,400 रुपये का होगा। एक और विशेषता है कि आपको प्लस कोर्स क्यों लेना चाहिए, एक विशेषता और है। क्या? मैं अन्य कोचिंग से क्या है,
इसका कंपैरिजन करता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको 30 घंटे की लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। कहां पे? प्लस कोर्स में आपको 30 घंटे की लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, लेकिन अन्य कोचिंग में आपको 3 घंटे या 4 घंटे की क्लास मिलेगी, 3 घंटे की या फिर 4 घंटे की आपको क्लास मिलेगी। तो कहां 3 घंटे, कहां 4, कहां 3-4 घंटे और कहां 30 घंटे, कंपैरिजन कर लो खुद अपने आप में। इसके बाद प्लस कोर्स में आपको इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, जिसमें भी आप चाहते हो उसमें आप स्विच कर सकते हो। आपको इंग्लिश मीडियम में जाना है तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में जाना है तो हिंदी मीडियम में। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है, आप हिंदी मीडियम में जाना चाहते हैं, तो इसी फीस में आप हिंदी मीडियम में भी जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, आप इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हो, तो वहां से भी आप क्विट करके जा सकते हो। इसके साथ साथ आप अन्य कोचिंग में ऐसा नहीं कर सकते। आपने इंग्लिश मीडियम का कोर्स ले लिया तो आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ोगे, हिंदी मीडियम का आपने कोर्स ले लिया तो आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ोगे। ये सुविधा आपको अन्य कोचिंग में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि प्लस कोर्स में आपको 73 टॉप एजुकेटर पढ़ाने को मिलेंगे। यहां पर आपको 4 से 5 टीचर है बस वही मिलेंगे। 4 से 5 टीचर से क्या होता है, एक टीचर का आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या क्या ऑप्शन क्या है आपके पास, लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन है। प्लस कोर्स में आपको ऑप्शन है, 73 टॉप एजुकेटर हैं, उनका आपको किसी एक का आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी और अन्य टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अन्य विशेषताएं कौन कौन सी है, मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं कि इसकी अन्य विशेषता क्या है, कि प्लस कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ऐसे विद्यार्थी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी 2333 पर मंथ देकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं जा सकती दिल्ली में, तो ऐसी महिलाएं भी प्लस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकती हैं। ऐसे विद्यार्थी जो घर से क्या है बाहर नहीं जाना चाहते, जो घर पर रहकर ही तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली नहीं जाना चाहते, वो भी क्या है तैयारी कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से दिल्ली में जाना नहीं चाहते, तो ऐसे विद्यार्थी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्लस कोर्स के माध्यम से अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। इसके बाद एक मैं और बात कर दूं फीस की, क्योंकि जो फीस होती है वो सबसे बड़ा मुद्दा होती है। इसकी जो फीस है वो केवल 2 साल की जो फीस है 50,400 इसकी फीस है, 50,400 इसकी फीस है। लेकिन दिल्ली में जाओगे, किसी कोचिंग में एडमिशन लोगे तो 2 लाख रुपए तो ये खर्चा एक साल का है, 4 लाख और जोड़ लीजिए कितना हो गया, 8 लाख रुपए हो गया। आपको 2 साल की जो फीस है वो 8 लाख संबंध में बात लुप्त हो जाते हैं, वहां पर हमें शांति मिलती है। इसी प्रकार से क्या है, ये हमने दूसरा अंतर पढ़ लिया कि नैतिकता में विरोध और संघर्ष पाया जाता है, लेकिन धर्म में शांति पाई जाती है, धर्म में शांति पाई जाती है। फिर से तीसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं। तीसरे पॉइंट में नैतिकता में देखते हैं हम, इसमें अति प्राकृतिक सत्ता नहीं होती है, मतलब कोई अलौकिक सत्ता नहीं होती है। इसमें सारी जो चीजें होती हैं वो हमारी जो हम देखते हैं, हम भौतिक चीज देखते हैं उसी के बारे में होती है। नैतिकता समाज के अंदर जो आचरण किया जाता है, समाज जो बना है उसके अंदर आचरण किया जाता है, और समाज में बहुत सारी भौतिक चीजें आती हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन धर्म जो होता है वो अति प्राकृतिक सत्ता होती है। कहने का मतलब ऐसा है, अति प्राकृतिक सत्ता यानी हम भगवान की बात करते हैं, अति प्राकृतिक सत्ता से वो जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से हमने थर्ड पॉइंट की बात कर ली। हम फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसमें इसका जो उदय होता है, नैतिकता का जो उदय होता है वो पूर्णता के भाव से होता है, पूर्णता के भाव से होता है। जैसे आज मुझे सारा का सारा ज्ञान है, मैंने सारी चीजें पढ़ ली हैं, मुझे सामाजिक गतिविधियों के बारे में मालूम है, मुझे पॉलिटी के बारे में मालूम है, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में मालूम है, मुझे पर्यावरण के बारे में मालूम है, मेरा आज पूरा सिलेबस हो चुका है, तो मेरी सोच में पहले की अपेक्षा क्या है अंतर आएगा। तो अगर मुझे पता है कि नैतिकता क्या होती है, नैतिकता को हमने समझ लिया है, नैतिकता में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो हम नैतिक क्या है व्यक्ति बन गए, अपने आप में हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण हो गया। जब ज्ञान पूर्ण होता है, जब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है
और हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। यानी संत, संत क्या होते हैं, उन्हें किसी का लालच नहीं होता, वो संन्यास लेके जाते हैं, ना तो कोई भौतिक चीज की उनको आवश्यकता होती है और ना ही उनको क्या है कि कोई आवश्यकता होती है आवास की, चाहे जल की। समझ में आया? मतलब जितना जीने के लिए आवश्यकता होती है केवल वो उतना ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर नैतिकता, नैतिकता का उदय पूर्णता के भाव से होता है और यहाँ पर क्या है, अपूर्णता के भाव से होता है। धर्म का अपूर्णता के भाव से उदय होता है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर हम क्या क्यों जाते हैं, एक तो क्या है, हम श्रद्धा के भाव से जाते हैं, तो कहने का मतलब श्रद्धा का भाव है, लेकिन हमारे मन में कुछ ना कुछ तो इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम मंदिर जाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इसी प्रकार क्या है, इसमें अपूर्णता का भाव होता है। जब हमें कोई चीज की आवश्यकता होती है तो हम मंदिर जाते हैं, लेकिन यहां पर देखो आप नैतिकता में, नैतिकता के तीसरे चौथे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि इसका नैतिकता का जो उदय होता है वो पूर्णता के भाव से होता है। मुझे सारा सिलेबस का ज्ञान है, सारे सिलेबस का ज्ञान है और मुझे सारे जो आयाम है उनका भी ज्ञान है, मुझे सब कुछ पता है, तो मैं नैतिक इंसान बन जाऊंगा। जब आप नैतिक इंसान बन जाओगे तो क्या है, आप में पूर्णता का भाव आ जाएगा। जैसे अगर आप नैतिक इंसान हो, कोई गरीब आपके सामने भूखा मर रहा है, आपके पास खाना है तो उस खाने को आप दे दोगे, लेकिन अगर आप अनैतिक हो तो उस खाने को आप कुत्ते को खिला दोगे, अपने कुत्ते को, लेकिन गरीब इंसान को नहीं दोगे। यही फर्क होता है अनैतिक इंसान में और नैतिक इंसान में। समझ में आया बच्चों? तो हमने क्या बात कर ली कि नैतिकता का उदय किससे होता है, पूर्णता के भाव से, और धर्म का उदय अपूर्णता के भाव से होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, नैतिकता में स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। नैतिकता में हमारे पास क्या है, कोई प्रेशर नहीं होता है और हमारा क्या है कि कोई भी जो एक तरह से क्या है, हमारे आचरण का जो मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है। इसमें क्या है, हमारा हम स्वतंत्र होते हैं किस तरह का हमें आचरण करना है। इस तरह से मैं धर्म की बात करता हूं तो धर्म क्या है, धर्म में हम ईश्वर पर आश्रित होते हैं कि हे भगवान मुझे ये काम चाहिए, हे भगवान मेरा ये काम बनवा दे, हे भगवान मुझे ये दिलवा दे, हे भगवान मुझे सोने का हार दिलवा दे। मतलब बहुत सारी डिमांड होती हैं, वो डिमांड आप करते रहोगे, लेकिन नैतिकता में आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, आप किसी पर आश्रित नहीं होते। नैतिक हो इंसान तो क्या है, अपने आप में निर्भर हो, और आप अपने आप में निर्भर रहोगे तो कभी भी क्या है, आप किसी से कोई चीज नहीं मांगोगे, आप मेहनत के बल पर सारी चीजें ग्रहण कर लोगे। तो ये होती है नैतिकता में स्वतंत्रता की बात करता हूं मैं, और धर्म में ईश्वर पर आश्रित चीजों की बात करता हूं मैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, हमने इसकी भी बात कर ली, एक बार देख लेते हैं। मानव केंद्रित होती है नैतिकता, समझ में आया? धर्म ईश्वर केंद्रित होता है। नैतिकता में विरोध और संघर्ष पाया जाता है, धर्म में शांति पाई जाती है। नैतिकता अति प्राकृतिक सत्ता से नहीं जुड़ी हुई होती है, और धर्म अति प्राकृतिक सत्ता से क्या है, जुड़ा हुआ होता है। नैतिकता का उदय पूर्णता के भाव से होता है, धर्म का उदय अपूर्णता के भाव से होता है। नैतिकता में स्वतंत्रता पाई जाती है, अनैतिकता धर्म क्या है, ईश्वर पर आश्रित होता है। तो इस प्रकार से हमने नैतिकता और इस प्रकार से हमने धर्म, इन दोनों में अंतर समझ लिया कि इन दोनों में अंतर क्या है। इसके बाद मैं बात करता हूं भारतीय धर्म में नैतिकता, भारतीय धर्म में कौन कौन सी नैतिकता है। तो पहले बात करता हूं वेद एवं उपनिषद, वेद एवं उपनिषद में क्या कहा गया है, किस प्रकार के नीति शास्त्र हैं उनको बताया गया है, मैं इसके बारे में चर्चा आपसे करूंगा। तो वेद एवं उपनिषद में दो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, एक तो क्या, बहुमुखी नैतिकता। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन सी, एक तो बहुमुखी नैतिकता, एक क्या है, आंतरिक नैतिकता। तो बहुमुखी नैतिकता क्या होती है, हम इसकी बात करते हैं, तो कर्मकांड जो हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बहुमुखी नैतिकता। समझ में आया, बहुमुखी नैतिकता। तो कभी कभी क्या है, हम पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी प्रसाद हम देते हैं गरीब इंसान को, हम खाना खिलाते हैं, हम भंडारा करवाते हैं, तो इस प्रकार की नैतिकता को हम क्या बोलते हैं, ये है बहुमुखी नैतिकता। इसके बाद सेकंड नैतिकता की बात करता हूं जो कि आंतरिक नैतिकता कहलाती है। कौन सी, आंतरिक नैतिकता। हमने बाह्य नैतिकता है उसकी बात कर ली है, ये है
आध्यात्मिक शुद्धि, आंतरिक नैतिकता जो होती है उसमें आध्यात्मिक शुद्धि होती है। जैसे बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान क्या है, उनमें आंतरिक नैतिकता थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप में ही क्या है, ध्यान किया, अंतर मनन किया, चिंतन किया, और क्या है वो एक अच्छे नैतिक गुण वाले क्या है, इंसान बन गए। भगवान नहीं थे वो इंसान थे, महापुरुष थे। उन्होंने अपने आप को क्या है, उन्होंने अपने आप की नैतिकता इतनी इतनी क्या है शुद्ध कर ली थी कि आम इंसान के सामने वो भगवान के समान हो गए थे, आम इंसान के सामने वो भगवान के समान हो गए थे। इसी प्रकार हमने देख लिया वेद और उपनिषद में दो प्रकार की नैतिकता बताई गई है, कौन कौन सी, एक तो बहुमुखी नैतिकता और दूसरी कौन सी, आंतरिक नैतिकता। बहुमुखी नैतिकता में क्या, यज्ञ करोगे आप, कर्म कांड करोगे, पूजा पाठ करोगे, और इसके माध्यम से क्या है आप गरीब लोगों को खाना खिलाओगे, तो हमने बात कर दी बहुमुखी नैतिकता की। इसी प्रकार हम बात करते हैं आंतरिक नैतिकता की। आंतरिक नैतिकता में क्या देखा था हमने, आध्यात्मिक शुद्धि, अपने अंतरात्मा की क्या है, मैंने शुद्धि कर ली। तो हमने देख लिया किस तरह से वेद और उपनिषद में लिखा गया है नैतिकता के बारे में। इसके बाद में बात करता हूं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था हमारे भारतीय धर्म में आश्रम व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। अब आश्रम व्यवस्था के माध्यम से नैतिकता कैसे आती है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य, दूसरा हमारा क्या है गृहस्थ, तीसरा हमारा क्या है यह है वानप्रस्थ, और चौथा क्या है हमारा संन्यास। चौथा क्या है, संन्यास। आपने ये सुना होगा लेकिन आपने कभी इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या बात है इसमें। तो ब्रह्मचर्य जो होता है वो 25 वर्ष तक होता है, 0 से लेकर 25 वर्ष तक क्या है ब्रह्मचर्य होता है, 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है। इस 0 से लेकर 25 समय की अवधि में हमें क्या करना चाहिए, इस अवधि में हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इस अवधि में हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसी अवधि में हमें बौद्धिक विकास करना चाहिए। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में क्या है उसे वहां पर रखा जाता था, और आज के समय में क्या है बोर्डिंग स्कूल होते हैं। गुरुकुल जो हुआ करते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन उनसे करवाया करते थे, और पूर्णतः शुद्ध भावना के साथ वो शिक्षा ग्रहण करते थे। कौन बच्चे, समझ में आया बच्चों? तो हमने देख लिया ब्रह्मचर्य की जो अवधि होती है वो 0 से 25 वर्ष होती है, और इसमें हम ज्ञान शिक्षा और बौद्धिक विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, गृहस्थ की। ये क्या है गृहस्थ, अब गृहस्थ की जो अवधि होती है वो 25 से 50 होती है। कितना होती है, 25 से 50 होती है, 25 से 50 होती है। 0 से 25 क्या थी बताओ, 0 से 25 क्या थी कमेंट बॉक्स में बताओ। 0 से 25 थी ब्रह्मचर्य, ठीक है, और गृहस्थी कितनी है 25 से 50। 25 से 50 की जो अवधि होगी वो गृहस्थ जीवन की होगी। इसमें क्या है ब्रह्मचर्य शिक्षा, ब्रह्मचर्य में हमने शिक्षा जो ली है ब्रह्मचर्य के समय, यानी 0 से 25 के समय, 0 से 25 वर्ष के समय हमने शिक्षा ली है, उसी शिक्षा को हमें क्या है यहां पर क्रियान्वयन करना है। जैसे हमने शिक्षा ली कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें छोटों को प्यार देना चाहिए, हमें अपने आज्ञा की गुरु का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और इसी के साथ साथ क्या है हमें सत्य के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, हमें हमेशा हिंसा का माध्यम कभी नहीं अपनाना चाहिए, अहिंसा का माध्यम हमेशा हमें अपनाना चाहिए, और इसी के साथ साथ बहुत सारी नैतिकताएं होती हैं, उन्हीं नैतिकताओं को ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता है, और गृहस्थ जीवन में इन्हीं नैतिकता का क्या है क्रियान्वयन किया जाता है। तो हमने देख लिया किस प्रकार से यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है। इसके बाद आता है गृहस्थ के बाद आता है कौन सा हमारा वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ की जो अवधि होती है वो कितनी होती है 50 से 70 वर्ष, 50 से 70 वर्ष इसकी अवधि होती है। समझ में आया बच्चों, 50 से 70 वर्ष इसकी अवधि होती है। इसमें क्या होता है लौकिक जीवन से हम मुक्ति पा लेते हैं और परलौकिक जीवन की ओर हम अग्रसर होते हैं। लौकिक जीवन का मतलब यह है कि संसार रूपी भवसागर से हम मुक्ति चाहते हैं, और संसार रूपी भवसागर से जाने के बाद क्या है हम संसार रूपी भवसागर से क्या है हम एक तरह से पार पाना चाहते हैं, मतलब उसे पीछा छुटाना चाहते हैं, और हम कहां जाना चाहते हैं एक ऐसे जगह जहां शांति हमें मिले। तो लौकिक हो गया हमारा क्या, संसार,
लौकिक हमारा हो गया संसार, तो हम संसार से क्या है मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संसार में क्या है बहुत अनैतिकता है, और एक तरह से शंकराचार्य के अनुसार संसार जो है वो क्या है भवसागर है, मतलब एक झूठा समुद्र के समान है जिसमें हमें क्या है जीने की आदत पड़ जाती है। लेकिन झूठा सागर में डुबकी लगाने से अच्छा है कि आप एक शुद्ध नदी में, आप सत्य नदी में आप क्या है नहा लो। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन, अलौकिक जीवन का मतलब क्या मोक्ष की प्राप्ति, तो लौकिक जीवन से हम क्या है निकलने का प्रयास करते हैं और अलौकिक जीवन में हम लोग जाते हैं। वानप्रस्थ में कितनी अवधि है इसकी, 50 से 70 वर्ष इसकी अवधि है, और हम क्या है लौकिक जगत से मुक्ति पाकर हम अलौकिक जगत में जाना चाहते हैं। हमने वानप्रस्थ की भी बात कर ली, इसके बाद हम संन्यास की बात करते हैं, इसके बाद हम संन्यास की बात करते हैं। समझे बच्चे? संन्यास में क्या होता है, वानप्रस्थ में तो हम क्या है घर पर रहते हैं, लेकिन घर पर रहते हुए क्या है हम भौतिक जीवन से क्या है मुक्ति पाते हैं। जैसे हमें क्या है खाना हम क्या है एक तरह से बहुत तामसिक खाना खाते हैं, तो तामसिक खाना खाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, हम शुद्ध खाना खाते हैं और उतना ही खाना खाते हैं वानप्रस्थ जीवन में जितने शरीर को आवश्यकता होती है। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर संन्यास में क्या है हम खाना बहुत कम खाएंगे, बहुत ही कम खाएंगे, और वानप्रस्थ जीवन में क्या है हम घर पर रह सकते हैं, हम अपने मित्रों से मिल सकते हैं, हम अपने सगे संबंधियों के घर जा सकते हैं। लेकिन संन्यास में घर से पूर्ण त्याग हो जाएगा, संन्यास में घर से पूर्ण त्याग हो जाएगा और हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा वो क्या होगा मोक्ष की प्राप्ति। संन्यास में क्या है हम घर को बिल्कुल छोड़ देंगे और हमारा जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो इसी प्रकार से हमने देख लिया ब्रह्मचर्य जो होता है उसकी अवधि 0 से 25 वर्ष होती है, इसमें हम ज्ञान शिक्षा और बौद्धिक विकास को महत्व देते हैं। गृहस्थ जीवन आता है इसके बाद, इसकी अवधि 25 से 50 वर्ष होती है, और हम इसमें ब्रह्मचर्य में जो हमने शिक्षा ग्रहण की थी उसका हम क्रियान्वयन करते हैं। इसके बाद वानप्रस्थ की बात करी तो वानप्रस्थ की अवधि जो होती है 50 से 70 वर्ष होती है। वानप्रस्थ में हम क्या है लौकिक जीवन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं और परलौकिक जीवन में हम जाते हैं। इसी के साथ साथ हमने संन्यास की बात कर ली थी, संन्यास में हम घर का पूरा त्याग कर देते हैं और हमारा जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति उद्देश्य हमारा होता है। चलो हमने इसकी भी बात कर ली। अभी हम भारतीय दर्शन में हम बात कर रहे हैं धर्म की महत्ता के बारे में, ठीक है, भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन में किस प्रकार से नैतिकता है वो काम करती है। तो ये हो गया हमारा पुरुषार्थ, पहले हमने क्या देखा आश्रम व्यवस्था, इसके बाद हम देख रहे हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में आपने सुना होगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। समझ में आया बच्चों? तो धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है धारण करना, क्या धारण करना सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, अपने सामाजिक कर्तव्य निभाना, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, समाज में हम भाई की भूमिका में हैं या फिर हम पिता की भूमिका में हैं या फिर हम क्या है नाना की दादा की, जो भी आपको संबंध समझ में आते हैं किस भूमिका में हैं। अगर आप भाई की भूमिका में हैं तो भाई के प्रति आपका कर्तव्य क्या बनता है, अगर आप पिता की भूमिका में हैं तो पिता की भूमिका में आपका बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, यदि आप दादा की भूमिका में हैं तो छोटे जो आपके नाती होते हैं उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या बनता है। तो धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य को धारण करना, अपने सदाचार यानी सत्य आचरण से आपको क्या है अपनी अभिवृत्ति को आगे बढ़ाना है, सदाचार आपको करना है, धारण करना है, धर्म का मतलब धारण करना है, क्या धारण करना है सदाचार और सामाजिक कर्तव्य, और इसके साथ साथ व्यक्ति में जो नैतिक व्यक्ति में जो गुण पाए जाते हैं वो आपको धारण करने हैं। तो धर्म का मतलब आपने समझ लिया, हमारे भारतीय दर्शन में धर्म का जो मतलब है वो क्या है धारण करना, क्या धारण करना नैतिकता, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये हमारे धर्म में क्या है, ये हमारे धर्म में क्या है धर्म का मतलब है। वरना पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देश है उसमें धर्म का मतलब होता है पूजा पाठ करना, लेकिन कहीं भी किसी भी वेद में ऐसा नहीं लिखा है कि धर्म का मतलब पूजा पाठ करना है, धर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन करना, किसका बच्चों कर्तव्य का पालन करना। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं,
चाहे हम पूजा करें या फिर ना करें, पूजा पाठ से धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। पूजा पाठ तो क्या है, आंतरिक सुख के लिए हम लोग करते हैं, हमारी श्रद्धा भावना के लिए हम लोग करते हैं। ना ही भगवान ने कहा है कि आप पूजा पाठ करो, ये करो, लेकिन हमारी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, हम श्रद्धा को अर्चना करने के लिए हम क्या है, श्रद्धा अर्चना करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पूजा पाठ धर्म का मतलब नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें किसकी, नेक्स्ट हम बात कर लें ये है अर्थ की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संपत्ति के माध्यम से हम भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं। धर्म तो हमने कर लिया, हमने सदाचार का जीवन अपना लिया, और अब क्या है, अब नैतिक माध्यम से हम संपत्ति कमाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं और नैतिक आचरण को हम क्या है, स्वीकार कर रहे हैं, और नैतिक आचरण से ही हम संपत्ति कमा रहे हैं, यहां से हम संपत्ति कमा रहे हैं, और संपत्ति से हम क्या है, भौतिक सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, ये है अर्थ का मतलब। धर्म का मतलब आपने समझ लिया, अर्थ का मतलब आपने समझ लिया, अब हम बात करते हैं काम की। ठीक है, काम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंद्रिय सुख की प्राप्ति, इंद्रिय सुख की प्राप्ति, और इंद्रिय सुख के माध्यम से क्या है, हम संतान उत्पत्ति करते हैं। संतान उत्पत्ति से क्या है, हमारा जो जीवन है और हमारा जो समाज है वो क्या है, आगे बढ़ता है। अगर संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मानव जीवन और मानव की जो क्या नाम से एक तरह से पहचान है, या फिर मानव का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए संतान उत्पत्ति को भी एक तरह से पुरुषार्थ माना गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो पुरुषार्थ आता है, कौन सा, परम लक्ष्य। परम लक्ष्य, ठीक है, परम लक्ष्य, हमारा परम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य हमारा क्या है, वो है हमारा मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है, परम लक्ष्य, परम लक्ष्य हमारा क्या है, मोक्ष, हमें मोक्ष ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो सबसे अंतिम जो वो होगा पुरुषार्थ, वो होगा हमारा मोक्ष, वो सॉरी मोक्ष। ठीक है, तो इसमें दया, क्षमा, क्रोध, सत्य और लोभ, ये इसमें समाप्त हो जाते हैं। इस समय पर ये सारे जो हमारे संवेग हैं, दया, क्षमा, क्रोध, सत्य, जितने भी हमारे संवेग होते हैं, और संवेग मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि संवेग क्या होते हैं। ठीक है, तो मोक्ष के टाइम पर हमारे सारे के सारे ये संवेग हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा था, धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करना। क्या धारण करना, सदाचार, सामाजिक कर्तव्य और व्यक्तिगत गुण। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब ये होता है संपत्ति के माध्यम से भौतिक सुख की प्राप्ति, संपत्ति नैतिक आचरण के माध्यम से हमने कमाई हो। ठीक है, इसके बाद काम का मतलब क्या होता है, इंद्रिय सुख की प्राप्ति और संतान उत्पत्ति। मोक्ष का मतलब क्या होता है, ये हमारा परम लक्ष्य होता है, इसमें दया, क्षमा, क्रोध, सत्य और लोभ जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। समझ में आया बच्चों, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में नैतिकता का मतलब क्या है, बौद्ध धर्म में नैतिकता का मतलब क्या है। तो यहां पर क्या है, बौद्ध धर्म जो है पूजा पाठ का विरोध करता है, बौद्ध धर्म जो है एक तरह से नास्तिक धर्म है, नास्तिक धर्म है। मतलब इसमें भगवान को नहीं माना जाता, इसमें मानवीय नैतिकता होती है, उसके आधार पे ही धर्म की स्थापना की गई है। क्योंकि पूजा पाठ इन्होंने इसलिए नहीं अपनाया और पूजा पाठ का इसलिए विरोध किया क्योंकि तब उस समय में क्या है, बहुत अनैतिक काम हो रहे थे धर्म के माध्यम से बहुत अनैतिक काम हो रहे थे। समाज में असमानता थी और जो इकट्ठा धर्म के नाम पर इकट्ठा हुआ पैसा था उसका गलत यूज किया करते थे, है ना, और धर्म गुरु हैं उनके हाथ में सत्ता थी, इस तरह से बहुत सारे क्या है अनैतिक काम हो रहे थे। तो बुद्ध जो भगवान है, जो हमारे बुद्ध भगवान है, भगवान नहीं थे वो पुरुष थे लेकिन भगवान मानते हैं उनको, तो उन्होंने पूजा पाठ का विरोध कर दिया कि अगर भगवान इस संसार में होता तो बहुत सारे जो दुख हैं वो इस संसार में नहीं होते। मैं आज दुखी हूं लेकिन भगवान क्या चाहता है कि मतलब मैं दुखी रहूं, तो भगवान चाहता है अगर मैं दुखी रहूं तो मेरे लिए भगवान नहीं है। तो इस संसार में दुख क्यों है, अगर भगवान है तो दुख क्यों है, इन्होंने ये बात की। ठीक है, इसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि ये पूजा पाठ का विरोध क्यों करते थे कि पूरी तरह से ये क्या है,
अतार्किक है। इन्होंने चार आर्य सत्य दिए अपने, चार आर्य सत्य दिए। कौन कौन से? एक तो संसार में दुख है, संसार में दुख है और उस दुख का कोई ना कोई तो कारण होगा। संसार में दुख है, इस दुख का कोई ना कोई तो कारण होगा। अब कारण होगा तो इसका कोई ना कोई उपाय होगा, ठीक है। उपाय के लिए इन्होंने बता दिए कि भाई अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। क्या अपनाओ? अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, ठीक है। तो दुख, जैसे आप दुखी हो, आपको क्या है, खाना नहीं मिला है इसलिए आप दुखी हो। तो कारण क्या है इसमें? कारण यह है कि आप इसलिए दुखी हो कि आपको खाना नहीं मिला है। अब इसके उपाय भी होंगे, क्या उपाय होंगे? इन्होंने बता दिया अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है अष्टांगिक मार्ग। एक बार देख लेते हैं क्या है। इन्होंने पूजा पाठ का विरोध किया, इन्होंने चार आर्य सत्य बताए, कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और अष्टांगिक मार्ग है। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार हमने समझ लिया क्या बौद्ध धर्म में नैतिकता थी। तो दुख था, दुख का कारण था और दुख का निदान था। निदान के रूप में क्या है? इन्होंने बोला कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। अब अष्टांगिक मार्ग में क्या है? अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? चार आर्य सत्यों को समझो। सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है चार आर्य सत्यों को समझो। चार आर्य सत्य क्या होते हैं ये हमने पढ़े थे पहले। क्या पढ़े थे? ये दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और उसके निदान के रूप में अष्टांगिक मार्ग हमने अपनाए थे। चार आर्य सत्यों को समझो। इसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, संकल्प लो कि आप हिंसा नहीं करोगे, आप विद्वेष नहीं करोगे, आप लोभ नहीं करोगे, आप मोह नहीं करोगे, इन सब का आप त्याग कर दोगे। इसी को बोलते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक वचन, सम्यक वचन का मतलब क्या होता है? इसके बाद आता है सम्यक कर्म। इसमें क्या है? शुभ काम करना, मतलब कर्म ऐसे करना जो कि क्या है, शुभ लेकर आए। कोई अनैतिक कर्म मत करना। कहने का मतलब यह है गरीब की आप हेल्प कर दो, गरीब की आप सहायता कर दो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप आतंकवादी बन जाओ और आतंकवादी बनकर क्या है, समाज के लिए आप एक गलत काम कर दो। समझ में आया बच्चों? तो हमने इस प्रकार से देख लिया कि सम्यक कर्म क्या होता है। सम्यक कर्म का मतलब ये होता है कर्म हमें करना है वो नैतिक करना है। इसके साथ साथ सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब क्या है? जीव का निर्वाह करो नैतिक कर्मों के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया गलत आचरण। लेकिन हम ईमानदारी के साथ, हम ईमानदारी के साथ अपना आचरण कर रहे हैं, हम ईमानदारी के साथ अपना आचरण कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम नैतिक कर्मों के माध्यम से हम अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? तो सम्यक आजीव का मतलब भी हमने समझ लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा गया है कईयों बार प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। इसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन को स्थिर करने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। ये तो आज विज्ञान भी कहता है कि डिप्रेशन आपको आता है, आपको न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या होती है तो आपको व्यायाम करना चाहिए। अगर आप व्यायाम करोगे कभी डायबिटीज नहीं होगी, कभी आपको क्या है बीपी आपका लो नहीं होगा, कभी आपका हाई नहीं होगा, ये सब क्या है समस्या आपको नहीं होंगी अगर आप व्यायाम करोगे तो, ठीक है। तो ये बात तो बुद्ध भगवान ने बहुत पहले ही बोल दी थी, कईयों सदियों पहले ही बोल दी थी। इसके बाद सम्यक स्मृति, हमेशा याद रखो, क्या याद रखो कि सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ आपको काम करना है। सम्यक स्मृति का मतलब यह है कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ ही व्यवहार करना है। इसके बाद हमारा आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब क्या होता है? सम्यक समाधि का मतलब होता है सांसारिक जीवन से हमें मुक्ति मिल गई, सांसारिक जीवन से हमें मुक्ति चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब जो है अगर आप इन सब आचरणों को फॉलो करते हो तो जिंदगी में क्या है आपको कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात चार आर्य सत्यों को समझ लो,
क्या कि यहां संसार में दुख है, ठीक है, अगर आप हिंसा नहीं करोगे, विद्वेष नहीं करोगे, लाभ नहीं कमाओगे, लाभ आप नहीं लोगे जितना, मोह नहीं करोगे, ठीक है, तो ये सब आप देख लो, ये सब जो आचरण है, ये सब जो आचरण है, अगर आप इनसे जीवन निर्वाह करोगे तो कभी भी आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एक एग्जाम्पल सिर्फ, कि जैसे अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर आप कभी झूठ नहीं बोलोगे तो आपको क्या है, आगे कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लो कि आपने झूठ बोल के एक नौकरी ले ली, हो सकता है कि जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उसको मालूम चल जाए और आपकी नौकरी है वो छूट जाए, और यही जो कारण है, यही कारण आपका बन जाएगा क्या, यही कारण आपका बन जाएगा दुख होने का। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि किस तरह से ये जो आठ आर्य सत्य हैं, इनके माध्यम से आपको कभी दुख नहीं मिलेगा अगर आप फॉलो करते हो इनको। तो एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या, चार आर्य सत्य को समझना जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प क्या, हिंसा विद्वेष लाभ मोह इसका त्याग करना है। इसके बाद सम्यक वचन, सम्यक वचन का मतलब क्या, कि झूठ चुगली और कटु वचन नहीं बोलना है। इसके बाद सम्यक कर्म, सम्यक कर्म का मतलब क्या, हमें शुभ कर्म करना है। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब क्या, हमें जीविका निर्वाह करना है नैतिक कर्तव्यों के माध्यम से। इसके साथ साथ सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है, मन को स्थिर रखना। सम्यक स्मृति, इसका मतलब क्या है, सत्य निष्ठा और ईमानदारी को ध्यान में रखना। और इसके साथ साथ सम्यक समाधि, यानी सांसारिक जीवन से हमें मुक्ति चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने देख लिया चार आर्य सत्य कौन से हैं। इसके बाद एक कोट है, उसको पढ़ लेते हैं, क्या है जल्दी से, इच्छा से दुख आता है, इच्छा से भय आता है, इच्छा से, जो इंसान इच्छा से मुक्त है ना भय जानता है और ना दुख जानता है। अगर इच्छा है, अगर आपके जीवन में कुछ इच्छा है, जैसे आपके जीवन में इच्छा है कि मुझे भाई कोई क्या है, फरारी चाहिए, फरारी गाड़ी चाहिए मुझे, ठीक है, अब क्या है, फरारी गाड़ी आपको नहीं मिल पाई तो आपको क्या है, दुख आएगा कि फरारी गाड़ी क्यों नहीं मिल पाई। और इच्छा से ही आपको भय आएगा, अगर आपको इच्छा है, अगर आपको इच्छा है फरारी गाड़ी चाहिए तो आपको डर लगेगा कि भाई मैं किस तरह से फरारी गाड़ी लूं, क्या मैं करप्शन करूं, करप्शन करूंगा तो पकड़ा गया तो क्या है, जेल में जाऊंगा। तो इच्छा से भय आता है। जो इंसान इच्छा से मुक्त है, जो इंसान इच्छा से मुक्त है वो ना भय जानता है और ना दुख जानता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो नागा साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। जब इच्छा नहीं होती है तो ना तो वो भय जानते हैं और ना ही वो दुख जानते हैं। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से बहुत फास्ट हम देख लेते हैं किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म भी है, वो भी क्या है, एक तरह से नास्तिक धर्म है। इन्होंने क्या है, हिंसा प्रधान यज्ञों का विरोध किया। हिंसा प्रधान यज्ञों का मतलब, यज्ञों में क्या है, बहुत सारी बलियां दी जाती थी, तो इन्होंने बोला कि बलि नहीं दी जानी चाहिए कोई भी धार्मिक कार्यों में। इसके बाद ब्राह्मण विशेषाधिकारों का इन्होंने विरोध किया कि धर्म गुरु जो हैं उनको विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो उनके पास जो अधिकार थे उनकी इन्होंने क्या है, विरोध किया। इसके बाद क्या है, इन्होंने बोला, इन्होंने अहिंसा, ये इंसाफ नहीं है, अहिंसा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, अहिंसा, इन्होंने अहिंसा को की स्त्री को क्या है, बहुत चरम पर ला दिया। चरम का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि नहीं, संसार में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी जीव होते हैं, हमें अपने मुंह पर क्या है, पट्टी बांधना चाहिए, जिससे क्या है, बैक्टीरिया की मृत्यु ना हो जाए। हम बैठे भी नहीं, और बैठे भी क्या है तो हम उसे झाड़ झूड़ कर बैठे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोल दिया कि हमें खेती नहीं करना चाहिए, खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेती में क्या है, बहुत सारे कैंचुए टाइप के होते हैं और बहुत सारे जीव होते हैं, तो उनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम खेती ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तो इसी वजह से इनको बोलते हैं, इन्होंने अहिंसा प्रवृत्ति को चरम स्थिति पर ला दिया। इनका जैन धर्म का एकमात्र लक्ष्य है, वो भी कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। हर धर्म मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, हर धर्म मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी आपको, शुद्ध आचरण से। शुद्ध आपका आचरण, वो शुद्ध होना चाहिए, त्यागमय जीवन होना चाहिए, जीवन में कोई मोह माया नहीं होना चाहिए, पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, कठोर तपस्या आपको करनी चाहिए, इस तरह से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आया बच्चों?
इसके बाद इन्होंने बताया कि तीन रत्न होते हैं, तीन रत्न को आप फॉलो करोगे तो कभी जिंदगी में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? जो तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, जो धर्मगुरु होते हैं, जो प्रवचन देते हैं, उनको तीर्थंकर बोलते हैं। उनके ज्ञान को आप सुनने जाओ, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। इसके बाद इन्होंने बोला सम्यक ज्ञान, जो आप तीर्थंकर से ज्ञान लेकर आए हो उस ज्ञान को क्या है, क्रियान्वयन करो, तो इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। समझ में आया बच्चों? इसके बाद क्या है, सम्यक चरित्र। जो आपने ज्ञान आपने लिया है उसके हिसाब से आप आचरण करो। कहने का मतलब धर्मगुरु से यानी तीर्थंकर से आप ज्ञान लेकर आओ, यहां पर आप चिंतन मनन करो, इसके बाद आप क्या है उसी ज्ञान को अपने चरित्र में लेकर आ जाओ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने बोला पंच महाव्रत, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। ये इन्होंने बताया पंच महाव्रत है, उसको आप फॉलो करोगे तो कभी जिंदगी में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने पंच महाव्रत बताए और तीन रत्न बताए, और प्रारंभिक परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि बताओ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है वो किस धर्म से मतलब संबंधित हैं। तीन रत्न की जो फिलॉसफी दी थी वो किसने दी थी, पंच महाव्रत में कौन कौन से तत्व आते हैं, सम्यक तीन रत्न में कौन कौन से दर्शन आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गीता में, इसी प्रकार गीता का दर्शन कहलाता है। गीता का दर्शन क्या क्या बोलता है, इन्होंने वेद और उपनिषद जो होते हैं, वेद और उपनिषद की जो बातें हैं उनका इन्होंने समन्वय कर दिया। किसमें? गीता में। गीता में वेद और उपनिषद हैं, उनका समन्वय है। साथ साथ में बहुत सारे जो विचारक आए उन्होंने अपने अपने अनुसार क्या है, गीता की व्याख्या करी। अपने अनुसार क्या है, गीता की व्याख्या करी। शंकराचार्य, शंकराचार्य ने क्या है, मोक्ष को महत्व दिया। शंकराचार्य ने मोक्ष को महत्व दिया। इसके साथ साथ रामानुज और निम्बकाचार्य, इन्होंने क्या है, इन्होंने भक्ति की श्रेष्ठता को क्या है, महत्व दिया कि भक्ति आप करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शंकराचार्य ने बोला कि भाई मोक्ष है वो इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जी, तिलक और अरविंदो, इन्होंने कर्म प्रधान समाज की स्थापना को महत्व दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि गीता दर्शन को हर व्यक्ति ने क्या है, अपने अपने हिसाब से व्याख्यात किया, ठीक है। अब गीता के सार तत्व क्या है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को क्या है, सही माना। वर्ण व्यवस्था क्या है, इन्होंने माना कि वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है, सही है, लेकिन लेकिन इन्हें अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था कभी जन्म आधारित नहीं होना चाहिए। जन्म आधारित कभी नहीं होना चाहिए, क्या, कर्म आधारित। अगर कोई शूद्र व्यक्ति है वो अगर किसी की रक्षा करता है तो उसे भी क्षत्रिय की संज्ञा दी जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा गीता कहती है, समझ में आया। इसी प्रकार इन्होंने बोला कि शूद्र घर में पैदा हुआ बच्चा शूद्र नहीं कहलाया जाएगा, समझ में आया। अगर उसका कर्म अगर क्षत्रियों वाला है तो वो क्षत्रिय कहलाया जाएगा। इसलिए गीता में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसको माना गया है, सॉरी नहीं माना गया है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसको माना गया है। इसीलिए इन्होंने पुरुषार्थ को इन्होंने महत्व दिया। पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं हमने पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या होते हैं, हमारे पुरुषार्थ होते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने आश्रम व्यवस्था है उसको भी महत्व दिया, ब्रह्मचर्य और दूसरा क्या है, वानप्रस्थ और कौन सा है, एक भूल रहे हैं यार, धर्म देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कर्मवाद। कर्मवाद मतलब कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। पुनर्जन्म, इन्होंने बोला कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर, अजर और क्या है, ससीम है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। आत्मा को वायु ना सुखा सकती है, अग्नि ना जला सकती है और ना ही वायु उसको सुखा सकती है। इसलिए इन्होंने बोला कि पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या है, आवागमन होता है, ठीक है।
इन्होंने आत्मा की अमरता को माना, जैसा कि हमने देखा था वैसे ही ईश्वर की सत्ता को इन्होंने माना कि ईश्वर है, ईश्वर ही है जो क्या है संसार को चलाता है, बिना ईश्वर के ये संसार नहीं चल पाएगा। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म के आधार पर मानी, जो मैंने पहले से आपको बता दिया था कि वर्णाश्रम व्यवस्था का सपोर्ट किया गया है गीता में, लेकिन लेकिन क्या है वो जन्म आधारित थी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने लेक्चर पूरा देखा है, और पूरा लेक्चर जिसने देखा होगा उसको समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से धर्म नैतिकता से जुड़ा हुआ है। समझ में आया बच्चों? तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना आप इसको फैला सकते हो उतना आप फैला दो, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए कंटेंट की संख्या बहुत कम है, और ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। समझ में आया बच्चों? तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।